डायरेक्ट अंदर अंदर एक फुट का, और ये बना दिया हमने 1.5 फुट का। ये देखिए है ना मैजिक। अब इसी को हम बनाएंगे 1 फुट बाई 1 फुट का, यानी एक ही कॉलम से कितने सारे काम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ इसे, हाँ अंदर बढ़ा दो, हाँ कसो इसे। यहाँ पे हमने सुराख कर बिछा के इसके सेटरिंग प्लेट बना सकते हैं। इसको एक लाइन से बिछाओ जल्दी जल्दी, मिला मिला के एकदम। हाँ वहीं पे बिछा दो, नीचे रखो नीचे। हाँ प्रभु, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का VFX से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है जी। आ गया हूँ एक नए जोश और एनर्जी के साथ फिर से आपके साथ बेहतरीन बिजनेस और बेहतरीन वीडियो लेके, आपके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी सेटरिंग प्लेटों का भंडार लेके आया हूँ। हर एक तरह की आज आपको ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जिसे आप जान के खाली नहीं बैठने वाले, कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर देंगे। और ये बिजनेस ऐसा है एकदम कैशबैक बिजनेस है, यानी आपका आम के आम गुठलियों के दाम, इससे बिजनेस करने के बाद इसको रीसेल भी कर सकते हैं, इसमें इतना बेनिफिट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाली है। ये देखिए एक सेटरिंग प्लेटों का भंडार, मैं पहले सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरह से सेटरिंग प्लेटें बनाई जा रही हैं और किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और क्या क्या बेनिफिट हो सकती है। ये आप देख पा रहे होंगे एक ही अलग ही डिजाइन का सेटरिंग प्लेट हमने रख रखा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इसमें सुराख दिख रहा होगा, यहाँ भी सुराख दिख रहा है, अलग ही डिजाइन की है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके अंदर ऐसी एनर्जी और ऐसा जोश भर दूंगा कि आज के बाद आप कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर करेंगे। और मेरे हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को देखते ही तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ और एकदम ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जिससे कहेंगे कि इस एक फर्मे से 4 काम कैसे कर सकते हैं। इस एक फर्मे से, यानी इसे सेटरिंग प्लेट भी बना सकते हैं, इसे कॉलम का फर्मा भी बना सकते हैं, एडजस्टेबल फर्मा बना सकते हैं और चाली भी बना के प्लस्तर कर सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले मैं कंपनी में दिखा दूँ आपको कि हम कैसे, ये देखिए किस तरह से सेटरिंग प्लेटों का बहुत ही जोरों शोरों से काम हो रहा है, मशीनें लगी हैं, इंजीनियर्स लगे हैं। ये देखिए किस तरह से ये टी आयरन यूज हुई हैं ये सेटरिंग प्लेटें बनाने के लिए। देखिए ये देखिए कैसे वेल्डिंग हो रही है, और बहुत ही हाई वाइब्रेशन बेहतरीन वेल्डिंग रोड्स होती है जो वाइब्रेशन होती है। ये देखिए सेटरिंग प्लेटों का भंडार, और मशीनें भी बन रही है। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, आपको एक एक चीज़ की नॉलेज दूंगा। देखिए किस तरह से ये बन रही है प्लेटें, और ये ड्रिल भी लग रहा है। देखिए ये कॉलम बॉक्स है जो आप देख पा रहे होंगे, ये कॉलम बॉक्स में यहाँ पे सुराख हो रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलम बॉक्स है, ये छोटे कॉलम बॉक्स है। ये देखिए ट्रोलियों का भंडार, ये देखिए कंक्रीट मिक्सर मशीन, ये देखिए कैसे सुराख करके यहाँ पे रखे हैं कॉलम बॉक्स। और इसकी यूज बताऊंगा मैं किस तरह से यूज होने वाली है। ये देखिए मशीन कितनी बेहतरीन पेंट हुई है, ये मशीन एकदम बेहतरीन डिजाइन की पेंट भी हुई है, मशीन एकदम फूल कमल का फूल लग रहा है। और ये देखिए जो इसकी वीडियो, इस वीडियो के बाद आपको मिलेगी क्लच वाली विंच मशीन, जिसकी हमेशा डिमांड करते रहते हैं आप, इसको एकदम नए डिजाइन में पेश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। और इसमें जितनी सारी खासियत है ना, आपको अभी मैं एक्साइटेड ही छोड़ रहा हूँ इसके लिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। और मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको फोर इन वन में कैसे यूज करते हैं। एकदम एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा 4x8 का प्लेट है, इसके अंदर ये देखिए हमने 8 फुट लंबे कॉलम भी बनाए हैं, 4 फुट भी लंबे बनाए हैं। तो सबसे पहले तो इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ। इसको आप पहले सेटरिंग प्लेटों के बेस में यूज कर सकते हैं। देखिए ये आप बिछा के इसके सेटरिंग प्लेट बना सकते हैं। इसको एक लाइन से बिछाओ जल्दी जल्दी, मिला मिला के एकदम। हाँ वहीं पे बिछा दो, नीचे रखो नीचे। हाँ इसके आगे मिला दो, ये देखिए इसको पूरा मिला, उधर पूरा मिला उधर से। ये देखिए ये सेटरिंग प्लेटें बन गई। आप इसको छत पे सेटरिंग प्लेट भी यूज कर सकते हैं। सेटरिंग छत डालने के बाद फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि कॉलम डालने हैं, तो इसमें कॉलम भी डाल सकते हैं। देखिए हमने ये 2-2 सुराख करे हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। इसमें नट बोल्ट फंसाओ, इसमें हम ऐसा फर्मा बनाया है कि इसे आप 1 फुट बाई 1 फुट में यूज कर सकते हैं और 1 फुट बाई 1.5 फुट में एक ही से। ये देखिए कितने सारी बेनिफिट है, 4 बोल्ट फंसाओ चारों कोने पे, बस ज़्यादा नहीं। ये जो पहला हम हिस्सा फंसा रहे हैं देखिए, इसको
आप ना इससे अपना खुद यूज भी कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अपना बनावा सकते हैं, इसलिए मैं नॉलेज दे रहा हूँ, एकदम आत्मनिर्भर भारत वाली बात। आप लोग एकदम आत्मनिर्भर हो जाइए, इसलिए मैं नॉलेज हर एक पॉइंट की नॉलेज आपके पास पहुँचाता हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी बहुत, आप बेवकूफ़ी निभा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। देखिए कैसे ये इंजीनियर ने फंसा दिया, अब हम वहाँ लास्ट वाली फंसाएंगे। दोनों कोने पे एक बोल बड़ा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जल्दी जल्दी दिखाना है, हमें बहुत सारी नॉलेज देनी है थोड़ी सी वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर ज़्यादा MB ज़्यादा खर्च, बहुत सारे आप लोगों का भी टाइम बचाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और जो भी मिस्टेक हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बस ये ऊपर वाली रखो जल्दी से। अब ये देखिए सामने से दिखाइए सर, यहाँ सामने से दिखाइए। अभी जो ये बन गया कॉलम, कॉलम का फर्मा बन गया, जो कॉलम डलता है, बीम डलती है वो, ये देखिए ये अभी बन गया 1 फुट बाई 1.5 फुट का हमने बना दिया इसको, ये चारों कोने पे फंसा दिया, ये बना दिया 1 फुट बाई 1.5 फुट का। अब इसी को हमें 1 फुट बाई 1 फुट का बनाना हो तो देखिए क्या करेगा, इसे मत बताओ, इसे खोलो भी, इसका फंसा दो, ये वाला खोल के यहाँ ले आओ, उधर खोलो, उधर लगाओ, जाओ अब उसे खोल के इधर करो। देखिए ये अभी हमने बना दिया 1 फुट बाई 1.5 फुट का, इंची टेप है तुम्हारे पास भाई किसी के पास, चलो उसे खोलो, 1 इंची टेप दो मामा, तो इंची टेप लाए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमने बना दिया डायरेक्ट अंदर अंदर 1 फुट का, और ये बना दिया हमने 1.5 फुट का, ये देखिए है ना मैजिक। अब इसी को हम बनाएंगे 1 फुट बाई 1 फुट का, यानी एक ही कॉलम से कितने सारे काम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ इसे, हाँ अंदर बढ़ा दो, हाँ कसो इसे, यहाँ पे हमने सुराख कर रखे हैं ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ये सुराख कैसे मिल गए, देखिए एक सुराख यहाँ है, एक सुराख, और ये बाहर की तरफ सुराख है, कसने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसे कसने के बाद यही कॉलम आपका उसी खर्चे में 1 फुट बाई 1.5 फुट, 1 फुट बाई 1 फुट का बन गया। देखिए ये मैं नाप के दिखा रहा हूँ, वो नीचे वाला बोल्ट नहीं लगाया अभी, ये बोल्ट लगाओ आगे करके, देखिए ये आ गया ना 1 फुट, ये 11-12 इंची, और वैसे ही ये भी आ गया 11-12 इंची, हाँ ये थोड़ा सा अभी नट बोल्ट हिल रहे हैं, तो ये 1 फुट बाई 1 फुट और 1.5 फुट बाई 1 फुट, यानी 4 इन 1। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इससे रहन दो, इसे खड़ा करो, खड़ा करो, इसे बोल्ट फंसा दिया खड़ा, और दूसरा काम इससे क्या कर सकते हैं, आप प्लस्तर कर रहे हैं तो उस पर भी रख सकते हैं, खड़े होकर प्लस्तर कर सकते हैं, आप लेंटर है आपका एकदम खुला लेंटर है, उस पर आजकल ट्रोलियाँ चला रहे हैं, उस पर बिछा के ट्रोलियाँ चला सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। और शटरिंग प्लेटें जब भी हमें बनानी हो, खड़ी करो, शटरिंग प्लेटें जब भी बनवाएं क्वालिटी पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्वालिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये जितनी हैवी मजबूत होती हैं, यानी ज़्यादा भारी भी नहीं कि आपसे उठे ना और जाए ना। ये देखिए ये कैसे ये हो गया, पहले इसे देख लीजिए, इधर ले आके दिखाओ सामने से, ये देखिए ये हमने 1 फुट बाई 1 फुट का भी कॉलम बना दिया, और इसको यहाँ से खोल के अगर हम यहाँ कस देंगे तो ये 1.5 फुट बाई 1 फुट हो जाएगा। यानी पहले मैंने बताया इसकी शटरिंग प्लेट भी बना सकते हैं, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आप कॉलम में बना सकते हैं 1 फुट बाई 1 फुट का कॉलम, ज़रूरत पड़ा तो 1 फुट बाई 1.5 फुट का कॉलम, और बहुत सारी यूजें कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ें की जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये शटरिंग प्लेट के बता रहा था मैं, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखना है, जितनी मजबूत शटरिंग प्लेट रहेगी और जितना ही स्लैब सीधा आएगा उतना ही आपको ज़्यादा वर्क मिलेगा, और गिरने का खतरा कम रहता है। पता लगा कि शटरिंग प्लेटें कोई कोई बहुत हल्की बनवा लेता है और उसे छत पे लगवा देता है बहुत हल्की, तो उस पर क्या है, कोई मशीनरी चलानी है, जैसे आजकल मेट्रो चलाई जाती है या पंप के पाइप रखे जाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से वो गिर जाते हैं। तो ये प्लेटें हम जो बनाते हैं ये अभी कम से कम 2 फुट बाई 4 फुट की बना रहे हैं प्लेटें, इसमें हमारे में वैसे तो 32 किलो वजन होने चाहिए पर 28 और 30 के बीच की हम बना देते हैं, और उससे भी हल्की हल्की लोग बनवाते हैं 2 फुट 4 फुट में, कहता है कोई हमारा 14 किलो का बना दो 18 किलो का, पर मैं राय यही देता हूँ कि ये आप कम से कम मीडियम 28 किलो या 30 किलो के बीच में रखिए। इससे क्या होता है, जब आप लगाओगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी,
और ऊपर कोई वर्क भी करेगा तो धसने का डर नहीं रहेगा। स्लैब कितना भी मोटा रहे पतला रहे कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और लंबे से लंबे दूरी पर बड़े से बड़े छत को ये संभाल सकता है। हल्का छत क्या है, उस पर जब कंक्रीट डलती है टनों के टन, तो वो कई जगह केसेस होते हैं कि शटरिंग गिर गई पूरी। मैंने भी कई सारे मेरे क्लाइंट भी कहते हैं कि शटरिंग गिर जाती है पूरी। तो शटरिंग का फर्क रहता है, वो बीच में से धस जाता है, लंबाई ज़्यादा होती है बीच में धस के। अब आप शटरिंग रख रहे हो तो भाई इसके जॉइंट पे ही तो रखोगे, यहाँ पे यहाँ में मिला के रखोगे, बीच में खाली रहता है तो ये धस जाता है। इसलिए हैवी शटरिंग रखे, यही आपसे विनती है। और आप लोग का ज्ञान है, ये जो ये सिस्टम मैंने बताया अभी बना के, ये भी सिस्टम जो है आपने ही मुझे बताया था। आप जैसे एक दर्शक थे और उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया, मैं आप लोग के सामने ये पेश कर दिया जिसे कि सबके सामने चला जाए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 2x3 की शटरिंग प्लेट 1000 स्क्वायर फुट में कितनी लगेंगी और कितने प्रोब जैक लगेंगे। मुझे पर्सनली कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और कैसी लगी वीडियो मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। और इस तरह की किस तरह की आपको वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ, और आपके अंदर एक जोश और एनर्जी में डालता रहता हूँ। कभी भी उदास और खामोश मत बैठिए, काम को कर डालिए। जो भी काम आपके अंदर आता है उसे कर डालिए, सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। समय बहुत ही कीमती है, और आसपास की जो भी निगेटिविटी है, जो भी आपको टॉर्चर करता हो या आपको परेशान करता हो या आपके हौसले एकदम परस्त कर देता हो, यानी आपको एकदम निगेटिविटी में रखता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। जहाँ हम ध्यान देते हैं वहीं ऊर्जा जाती है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो कैसी लगी है वीडियो और कैसी लगी है प्लेटें मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। आपका प्रेम बहुत मिल रहा है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े लेके बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।